हाय गाइस, वेलकम बैक टू नज़र हर एक शेयर पर। आज की वीडियो में हम 25 मल्टीबैगर शेयर की तीसरी सीरीज पे बात करेंगे और जानेंगे वो स्टॉक कौन सा है और उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइमली मिल सकें। चलिए तो हम देखते हैं 25 मल्टीबैगर का तीसरा स्टॉक। कुछ लोगों की क्यूरीज होंगी कि मैम ये स्टॉक हमारे डीमैट में नहीं आ रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी आपसे बोल रही हूँ कि मैंने टॉप ब्रोकर के इंडिया की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहाँ जाकर भी अपना डीमैट ओपन करा सकते हैं। ये दो डीमैट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है और एकदम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनमें से BSE और NSE कभी कभी NSE में नहीं आता, तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाय कर लेना है। अब हम स्टॉक की ओर चलते हैं। तो वो स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 50 करोड़ का है और हो सकता है जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ वो आपके पास होल्डिंग पोजीशन पे भी हो सकता है। आज ये शेयर 2.50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तब ये स्टॉक 2.5 रुपये के करीब था और एक मंथ के करीब इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट 9.30 रुपये का मूवमेंट आया। यानी कि आप सोच सकते हैं 2 रुपये का स्टॉक 9 रुपये का जंप लेना काफ़ी अच्छा मूवमेंट कह सकते हैं। अब ये स्टॉक वापस से रिकवरी ले सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने पर। वापस से स्टॉक 2.5 रुपये की रेंज पर आया है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ उस स्टॉक का नाम है ओजस एनर्जी। इसका प्रमोटर होल्डिंग 36% तक है। लास्ट 2017 में इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर सेक्टर का स्टॉक है तो आपको एक चीज़ रिसर्च करना होगा कि ये स्टॉक डाउन ट्रेड पर 2 रुपये तक जा सकता है। इसमें बैरियर ट्रेड है और अब जाकर यम ग्राफ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो अच्छे प्रॉफिट पर एग्जिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।